करना। थोड़ा सा इनको रोटी डालते हैं। बजीज इनमें से एक जो बजी है वो पता नहीं क्यों अंडे निकाल के नीचे बाहर फेंक देता है। ये हमारी डक्स माशाल्लाह से एंजॉय करते हुए, आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, वरना तो पिछले दिनों बहुत धुंध पड़ रही थी, मौसम ख़राब था। अरे तारिक साहब है, उनका गार्डनिंग का एक चैनल है, एक ग्रुप भी है, उनसे मैंने सुना था और फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया। वाकई ये मुर्गी और डक्स बड़े शौक से खा लेती है उनको ना, और उनके लिए ठीक भी रहता है। साथ में अपने माल्टों को भी थोड़ा पानी दे दें, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इनको पानी ज़रा कम लगता है, टाइम भी नहीं मिल पाता। अपनी बजीज की ट्री हमने आज साफ़ कर दी है, ये बहुत ज़्यादा गंद किया हुआ था। और लव बर्ड की बजीज की कल करेंगे, अभी फ़िलहाल किया लव बर्ड की। और हमारे लव बर्ड का माशाल्लाह से एक बेबी तो निकल आया और दोनों बॉक्सेस में एग्स हैं। और ये बजीज इनमें से एक जो बजी है वो पता नहीं क्यों अंडे निकाल के नीचे बाहर फेंक देता है। ये इस बॉक्स में वैसे माशाल्लाह से सब हांडियों में अंडे दिए हुए हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे बच्चे अच्छे निकल आए। तो आज बस सफाई की है इनकी थोड़ी सी और इनको ला के डाली है हमने छलियाँ, छलियाँ हैं बड़े शौक से खाते हैं। उसके अलावा हमने ये आज अपनी हैंस के लिए एक और बास्केट लगा दिया है और इसके अंदर घास फूस डाल दिया। कल ही यहाँ पर थोड़ी सी सफाई की थी, दो बास्केट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ये क्या करती हैं, लड़ना शुरू कर देती हैं कि जिसमें एक ने अंडा दिया है ना, ये इनकी कोशिश होती है कि सब ने हमने उसी में अंडा देने हैं। तो एक ही बास्केट में ये लड़ना शुरू कर देती हैं, सारों की कोशिश होती है कि ये वहीं पर बैठें और एक ही बास्केट में अंडा दें। हालांकि तीन चार बास्केट लगी हुई हैं और बाहर भी सामान है, मगर फिर भी इनकी कोशिश होती है बस हम एक ही जगह पर। हमारी डक्स माशाल्लाह से एंजॉय करते हुए, आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, वरना तो पिछले दिनों बहुत धुंध पड़ रही थी, मौसम ख़राब था। और ये जो हमने अपने लव बर्ड्स की ट्रे साफ़ की है, ये उसका दाना है। उसका दाना यहाँ पर वेस्ट करने के बजाय हम यहाँ पर डाल देते हैं और ये डक्स और मुर्गियाँ बहुत शौक से खाती हैं। तो ये वैसे ठीक है क्योंकि जो जिनसे लव बर्ड्स रखे होते हैं या बच्चे रखे होते हैं, तो जो उनके ट्रे में दाना जो उनका डल जाता है, गिर जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। और उस वेस्ट से बचाने के लिए ये हमारे तारिक साहब है, एक उनका गार्डनिंग का एक चैनल है, एक ग्रुप भी है, उनसे मैंने सुना था और फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया। वाकई ये मुर्गी और डक्स बड़े शौक से खा लेती है उनको ना, और उनके लिए ठीक भी रहता है। इनकी बहुत आदत है, बस जिधर ये पानी होता है उधर ये कीचड़ सा बना के रखती हैं और बहुत खुश होती हैं डक्स ना कीचड़ में। पता नहीं क्या इनको कीचड़ में मज़ा आता है यहाँ पर ना। अब ये खुश है, फिर थोड़ा सा नहा लिए पानी में और बस खुश फिर रही है कीचड़ बना के ना। ये मेरी गिनी फॉल्स, मुझे तो इनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। थोड़ा सा पोर्शन मैंने यहाँ डाला था तो यहाँ पर भी मुर्गियाँ लगी हुई हैं। आज ये मैंने अपने असील को खोल दिए, लो जी कट्टो भी गई और ये कालो भी गई। और ये कट्टो बैठी हुई थी अंडों पर, ये इसके अंडे पड़े हैं, उठ के चली गई, थोड़ी देर तक आ जाएगी इंशाल्लाह ना। और ये दूसरा पेयर, ये क्योंकि उससे डरता है तो ये जल्दी से बाहर नहीं निकलता। ये हमने डोर ओपन कर दिया है ताकि डक्स गेनफॉल वगैरह बाहर आ जाएं, आज थोड़ा सा इंजॉय कर लें। क्योंकि अंदर रहती हैं तो अंदर दाना दून का, और ये ज़रा से बाहर उड़ लेती हैं, खेल लेती हैं, तो इनको ये इंजॉय कर लेती हैं, खुश हो जाती हैं यहाँ से। तो डक्स के लिए ये पानी ताज़ा करेंगे, ये पानी हम गिरा देते हैं और इसको पानी को फ्रेश करते हैं ताकि डक्स इसमें नहा सकें। ये जनाब डक्स के लिए पानी थोड़ा सा ताज़ा हो जाएगा तो ये इसमें हंसी खुशी नहा लेती हैं, वरना तो वैसे डक्स ठंडे पानी में भी नहा लेती हैं तो कुछ होता नहीं है, मगर ज़रा इनको ताज़ा पानी भर देते हैं ताकि खुश रहें। साथ में अपने माल्टों को भी थोड़ा पानी दे दें, सर्दियाँ हैं,
सर्दियों में इनको पानी ज़रा कम लगता है, टाइम भी नहीं मिल पाता। और ये अपने कंगी पाम को ज़रा फ्रेश हो जाएगा। अब इनको बाहर निकालते हैं ताकि ये जाके पानी में नहा सके। चले जी, अब ये सारी की सारी खरामा खरामा बाहर जा रही हैं। चलो चलो चलो, नहा लो, थोड़ा एंजॉय कर लो, आपके लिए पानी मैंने भर दिया है। चलो 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 जाओ, वो देखो पानी भरा हुआ आपके लिए। जी हाँ, ये सारी की सारी, अब इनको पता चल गया कि हमारे लिए पानी भरा है और ये वहाँ पर जा रही हैं। ये हाँ जी, मौसम शुक्र है कुछ थोड़ा सा खुला है, ये डच पाए एंजॉय कर रही हैं, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। बस पाक है, थोड़ा सा इनको रोटी डालते हैं। ये पैस रखने का यही एक सबसे मजा है, जो इनको फिर दाना डालते हो ये खुश होते हैं ना, इन्हें देख कर बहुत खुश होते हैं। हाँ, ये असीलों का जोड़ा भी, ये तो वैसे ही हमला करने लग गया ना। इनकी चोंच बहुत तेज होती है, लो जी सारा छीन के भाग गई। नहीं बेटा आप, ये हमारा पीलू असील माशाल्लाह से, इसके बच्चे निकलवा रहा हूँ, पहले जो निकलवाए थे उनमें से कोई भी सरवाइव नहीं हो सका। मेरी शायद वीकनेस है, मुझे शायद बच्चे नहीं पालने आते इनके, तो अभी इंशाल्लाह बैठी है एक मुर्गी, इसके अंडे रखे हुए हैं, अल्लाह करे अच्छे से बच्चे सच्चे निकलें। जितने भी असील के बच्चे निकलवाए उनमें से एक जोड़ा बस बचा हुआ, अल्लाह करे वो भी बचा रहे ठीक रहे, एक जोड़ा तैयार हुआ। उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे निकलवाए थे मगर ना मेरे से चिक्स नहीं पाले जाते, समझ नहीं है या पता नहीं क्या मसला है। तो ये हमारा पीलू, चले जी आज का बिला था यहीं तक, आप मुझे और ईमान को दे इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।